नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम इमल्शन के इंस्टेबिलिटीज पढ़ चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम आज देखेंगे टैबलेट में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, हमारा जो टैबलेट फॉर्मूलेशन होता है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस पर भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है और आने के बहुत चांसेस है हमारे एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जब भी टैबलेट बनेगा तो टैबलेट बनते बनते उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, उसमें डिफेक्ट्स आता है पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, मॉटलिंग एंड ऑरेंज पील इफेक्ट। एक एक करके समझते हैं दोस्तों। जो टैबलेट होती है, पिकिंग क्या होता है? अब टैबलेट के ऊपर जैसे पैरासीटामोल टैबलेट है, ऐसी ये पैरासीटामोल टैबलेट के ऊपर लिखा होता है PCM, या फिर उसका डोसेज 500 लिखा होता है, या फिर कंपनी का कोई लोगो हो वो लिखा होता है। जब भी टैबलेट वो डाई के बीच से जब निकलती है, तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन है या फिर नाम लिखा है, नेमिंग या फिर कुछ लिखा है, उसमें अगर डिफॉल्ट आता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, उसकी डिज़ाइन जो ख़राब हो जाती है जो लिखी हुई है, तो उसमें अगर खराबी आती है तो हम उसे कहेंगे पिकिंग। ठीक है दोस्तों, ये होगा पिकिंग। ये पैरासीटामोल के नाम से याद रखिएगा, पी से पिकिंग हो जाएगा, वो नाम में अगर खराबी होगी, डिज़ाइन में खराबी होगी तो पिकिंग होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्टिकिंग। स्टिकिंग में क्या होता है? जो भी हमारी ये टैबलेट है, ठीक है, ये टैबलेट के जो ये साइड का जो एज है, एज एज मतलब ये जो कॉर्नर्स है टैबलेट का, ठीक है, इसमें अगर वो चिपक जाता है डाईवॉल से, तो ये जो राउंड है, ये जो एज है, ये एज ही खराब हो जाएगा टैबलेट का। ठीक है, ये जो एज है ना, यहाँ पे जो खराबी आएगी उसे हम कहेंगे स्टिकिंग। ठीक है, ये स्टिक हो जाएगा, जो तुम्हारे डायवॉल है वहाँ स्टिक हो जाएगा और स्टिकिंग लाएगा टैबलेट में, तो ये स्टिकिंग डिफेक्ट हो गया टैबलेट का। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कैपिंग। ये कैपिंग होता क्या है? कैपिंग जो है वो अपर एंड लोअर सरफेस पे होता है। ठीक है, ये अपर है, अपर ये लेयर ऑफ द टैबलेट, और ये जो है नीचे वाला, इसे हम कहेंगे लोअर लोअर एंड ऑफ द टैबलेट। ठीक है, जब ये अपर और लोअर एंड, अपर या फिर लोअर एंड ही उसका ऐसा निकल जाए, डायवॉल में जो चिपक के निकल जाए वो अपर या फिर लोअर, तो उसे हम क्या है कहेंगे? कैपिंग डिफेक्ट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे हम कैप पहनते हैं ना, तो कैप हमारे सर पे होता है और हमारे पैरों का कैप होता है हमारे जूते, तो वही जो कैपिंग है, या तो आपका अपर सरफेस वो टैबलेट का जैसे कैप, और लोअर सरफेस जैसे जूते, ये दोनों अगर निकल जाए तो उसे हम कहेंगे कैपिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, लैमिनेशन तो नाम में ही है, लैमिनेशन मतलब क्या होता है? ये समझो हमारी टैबलेट्स है, ये टैबलेट में ऐसे करके लेयर जब बन जाते हैं टैबलेट में, ठीक है, लेयर में ही टैबलेट टूटने लगता है, तो उसे हम कहते हैं लैमिनेशन। ठीक है दोस्तों, लैमिनेशन। और ये जो है मॉटलिंग, मॉटलिंग और ये ऑरेंज पील, ये मॉडलिंग जो है वो कलर का, जब हम कलर का कोट मतलब कलर जब चढ़ाते हैं टैबलेट के ऊपर, उसका अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए तो हम उसे कहेंगे मॉडलिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कलर से रिलेटेड डिफेक्ट है मॉडलिंग। और ये ऑरेंज पील जो होता है वो होता है कोटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अनइवन कोटिंग हो जाए उसकी, तो हम उसे ऑरेंज पील इफेक्ट कहते हैं। वो ऑरेंज के पील जैसे निकलते हैं ना, उसी नाम से ही है वो, तो वैसे अगर होने लगे, कोटिंग में डिफेक्ट्स आने लगे, तो हम उसे कहेंगे ऑरेंज पील इफेक्ट। तो यही सब ऑरेंज पील इफेक्ट है, वही उसका डिफेक्ट होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, मॉटलिंग एंड ऑरेंज पील इफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रिपरेशन जारी रखिए दोस्तों, हमारे वीडियोस देखकर आपको अगर अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको पढ़ाई में मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के अलग अलग एक्ट्स, जिस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ईयर में वो एक्ट बना है और रूल्स कब बना है। ठीक है, तो ये सब हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।